रविवार को सुनरक मार्ग स्थित भक्ति वेदांत मंदिर में चल रहे प्रथम पाठोत्सव समारोह में चल रही राम कथा के 6वें दिन पुष्प वाटिका का मंचन किया गया, जिसमें प्रभु श्री राम के स्वरूप की लीला का मंचन किया गया, जिसमें आश्रम के दूर दराज से आए हुए भक्तों ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए। वहीं भक्ति वेदांत मंदिर के संस्थापक डॉक्टर राम कमल दास वेदांती ने बताया कि भक्ति वेदांत मंदिर का प्रथम पाठोत्सव समारोह 15 दिसंबर से प्रारंभ होकर 23 दिसंबर तक चलता रहेगा, जिसमें राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके सुनने मात्र से ही मानव का कल्याण होता है। वहीं साथ ही प्रतिदिन दरिद्र नारायण सेवा एवं ब्राह्मण सेवा चलायमान है। जय श्री राधे। मैं नवल बिहारी शरण, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू युवा संघ। बंधुओं, आज श्रीधाम वृंदावन में भक्ति वेदांत मंदिर प्रथम प्राकोत्सव के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ विश्व हिंदू युवा संघ के नवयुवक एक नई विचारधारा के साथ एकत्रित हुए। हमारी विचारधारा क्या है? विश्व हिंदू युवा संघ चाहता है कि भारत देश का प्रत्येक नवयुवक सनातन धर्म के साथ, सनातन संस्कृति को अपनी भारतीय परंपरा के साथ अपना जीवन यापन करे। और यह जो देश हमारा विधर्मियों के कारण हिंदू राष्ट्र नहीं हो पा रहा है, तो हमारा यह लक्ष्य है कि हम अपने युवा साथियों को, युवा भाइयों को जागरूक करें और जागरूक करके पुनः यह देश हमारा हिंदू राष्ट्र स्थापित हो। इस उद्देश्य से आज हम लोगों ने, और पूज्य महाराज श्री का भी बहुत सुंदर युवाओं के लिए संदेशात्मक कार्यक्रम हुआ, और भी हमारे संगठन के बहुत से कार्यकर्तागण, पदाधिकारी उपस्थित रहे इस अवसर पर। जी,